जब हम अपने कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में ये सवाल घूमते रहता है कि यार कोई जॉब कर ले या फिर कोई बिजनेस करे। और वैसे भी अभी इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब्स मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। और तो और प्राइवेट जॉब्स में भी केवल स्किल्ड लोगों को ही इज्जत और अच्छी सैलरी मिलती है, बाकी सभी लोगों को टेम्परेरी बेस पर रखा जाता है और जरूरत ना होने पर छोड़ दिया जाता है। और इसी चीज की वजह से आज इंडिया में लोग 25 साल के होने के बावजूद भी पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। इसलिए ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि हमें अपने कॉलेज लाइफ की शुरुआत से ही पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए और कोई छोटा मोटा ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे हम एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सके। लेकिन अब हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के माइंड में ये सवाल आए कि बिजनेस शुरू करने के लिए तो एक बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास होते ही नहीं, तो आखिर बिजनेस कैसे शुरू करें? तो दोस्तों इस चीज की आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लो बजट बिजनेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। और फिर जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा तब आप अपनी इनकम करोड़ों रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट का सबसे पहला और सबसे बेस्ट बिजनेस आता है जिसे हम अपनी स्टडी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन ट्यूशन। दोस्तों ऑनलाइन ट्यूशन की क्या वैल्यू है इसका अंदाजा मैं 2020 की कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में लगा, जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, स्कूल्स और कॉलेज भी बंद पड़ी थी, तब स्टूडेंट्स ने केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। उस समय टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने घर में बैठकर ही कंफर्टेबल होकर अपना अपना काम कर रहे थे, जिससे कि हमें ऑनलाइन टीचिंग की ताकत का पता लगा। और इसी समय कई सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस को छोड़कर पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड हो गए और करोड़ों रुपए की कंपनीज खड़ी कर दी। और उन्हीं में से एक नाम आता है अलक पांडे सर का। जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी तब अलक पांडे सर ने फिजिक्स वाले ऐप को लॉन्च किया और अपने यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया और लाखों रुपए के कोर्सेस को केवल 2 से 3 हजार रुपए में ऑनलाइन बेचना शुरू किया। फिर क्या था, उनके इस काम ने इतनी ज्यादा धूम मचाई और आज फिजिक्स वाला 8 हजार करोड़ रुपए की एक बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी है। तो इस एग्जाम्पल से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस और ज्यादा बूम करने वाला है। तो आप इस बिजनेस की शुरुआत 2023 में भी कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको बहुत सारे टीचर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी खुद की नॉलेज के आधार पर शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके साथ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और आपकी इनकम बढ़ने लगे तो आप अपने साथ साथ और भी टीचर्स को हायर करके अपने एक छोटे से यूट्यूब चैनल को एक बहुत बड़ी एटेक कंपनी बना सकते हैं। और अब आता हमारा बिजनेस नंबर 2, ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी। दोस्तों आप मानो या ना मानो, अगर आप इससे रिलेटेड बिजनेस को प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हो तो इस बात के मैक्सिमम चांसेस है कि आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि आज के टाइम में इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और अब तक बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस बिजनेस को करते हैं। और साथ ही पिछले 2 से 3 सालों में इंडिया में बहुत से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल ऐसे बने हैं जो कि पूरी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग पे डिपेंड करते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते रहेंगे जहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ही ज्यादा डिमांड होगी। इसलिए यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगोगे। बिजनेस नंबर 3, स्टार्ट ए स्मॉल कैफे। आपने अक्सर ये नोटिस जरूर किया होगा कि स्कूल या कॉलेज के आसपास कई सारी छोटी छोटी दुकानें होती है जहाँ पर चाय, समोसे और ब्रेड पकौड़े जैसी चीजें मिलती है, और स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में उन दुकानों पर जाकर ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अपने एक स्मॉल कैफे खोल सकते हैं जहाँ आप चाय, समोसे या फिर पकौड़े जैसी सेल कर सकते हो। ये बिजनेस सुनने में हो सकता है बहुत छोटा लगे, लेकिन जब आप अपनी स्कूल या कॉलेज के पास जो बंदा चाय या पकौड़े बेचता है उनसे जाकर उनकी इनकम के बारे में पूछोगे तब इस बात का आपको अंदाजा होगा कि इस बिजनेस में कितनी ज्यादा इनकम है। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरी लाइफ उसी छोटी सी दुकान में बैठकर चाय समोसे बेचना है, आप शुरुआत खुद कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम बाद जब आपकी इनकम आने लगे तो आप किसी दूसरे बंदे को उस दुकान पे बिठा सकते हैं और अपने इस बिजनेस से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि आपने प्रफुल बिलोरे के बारे में जरूर सुना होगा जो कि MBA चाय वाला के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने भी MBA चाय वाला बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी चाय की थड़ी से करी जब वे खुद स्टूडेंट थे। इंडिया के हर एक स्टेट में आज MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजीज मिल जाएगी जहाँ से उन्हें करोड़ों रुपए की इनकम होती है। प्रफुल बिलोरे के करोड़ों के बिजनेस को देखकर हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
बस फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं। आप एक छोटे से छोटे काम को भी एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। बस उसके लिए आपके डिजायर और आपके सपने बड़े होने चाहिए। बिजनेस नंबर 4, कॉपीराइटिंग। दोस्तों आज के टाइम में कॉपीराइटिंग का बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो किया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि आखिर कॉपीराइटिंग का मतलब क्या होता है। कॉपीराइटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग या किसी अन्य तरीके से मार्केटिंग के लिए टेक्स लिखना, यानी कि यह एक तरह की रिटन कंटेंट होता है जो कि ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाता है और अल्टीमेटली ये लोगों को किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनवाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी नया मोबाइल लॉन्च हुआ है तो वो मोबाइल कंपनी किसी कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट को हायर करेगी और जो भी उस मोबाइल का एडवर्टाइजिंग के लिए पोस्टर्स बनेंगे उस मोबाइल की फोटो के साथ में जो लाइंस लिखी जाएगी वो कॉपीराइटर डिसाइड करेगा और वो कुछ ऐसी लाइंस लिखेगा जिन्हें पढ़कर कोई भी बंदा उस फोन के लिए अट्रैक्ट हो और उस फोन को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए और इसी को कहते हैं कॉपीराइटिंग। और आज के टाइम में काफी सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल करने के लिए उनका प्रमोशन करने के लिए अच्छे कॉपीराइटिंग स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो इससे रिलेटेड काफी अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप इसमें एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिजनेस नंबर 5, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है और ये एक ऐसी स्किल है जिसे यदि आप सीख लेते हैं तो आप कुछ पैसों के लिए कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं तो आप सालाना इतना पैसा कमा सकते हैं जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। लेकिन इस बिजनेस में जाने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी। आपको शुरुआत में अपने आप पे काम करना होगा, यानी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखनी होगी। और अब आता है हमारा बिजनेस नंबर 6, इंसेंस स्टिक बिजनेस। हमारे देश में आपको हर एक गली में कई सारे मंदिर और मस्जिद और कई सारे धार्मिक स्थान जरूर मिलेंगे जहाँ लोग बड़ी मात्रा में अगरबत्ती का यूज करते हैं और साथ ही लोग अपने घरों में भी अगरबत्ती का यूज करते हैं। इसलिए यदि आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसकी शुरुआत आप एक लो बजट में कर सको तो अगरबत्ती का बिजनेस एक सबसे बेस्ट बिजनेस हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है और ना ही किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत होती है। आप एक छोटी सी मशीन की सहायता से भी अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगरबत्ती बनाने के साथ साथ आप अच्छी क्वालिटी के खुशबूदार कैंडल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडल्स का यूज बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी होता है। और ये एक ऐसा बिजनेस होगा जिसमें आप बहुत कम लो बजट में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और हमारे देश में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बस आपको इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसी जगहों को टारगेट करना होगा जहाँ पर इन चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड हो। बिजनेस नंबर 7, सेलिंग हैंडक्राफ्टेड एंड होममेड प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने टैलेंट का यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हो जिसे लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे कि साबुन, केक, चॉकलेट्स, अचार, इंडिया की फेमस देसी मिठाइयाँ और भी कई सारी ऐसी चीजें, तो आप अपने टैलेंट का यूज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप एक छोटे से लेवल से भी आसानी से कर सकते हैं जिसमें आप पर ऑर्डर के बेसिस पर कस्टमर के लिए चीजें बना सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना ज्यादा बेस्ट काम करेंगे आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो होगा और ना ही आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आप किसी एक बंदे को एक अच्छा काम करके दोगे तो वह बंदा अपने कई सारे रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को आपके बारे में बताएगा और आपको इस तरह से धीरे धीरे काम मिलने लगेगा। और जब आपका एक अच्छा खासा पहचान हो जाएगी तब आप इस बिजनेस से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और इसी बिजनेस के आधार पर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 बिजनेस आइडियाज में से